टीचर है, हम लोग जैसा पास्ट में पढ़ते हुए आ रहे थे एक्सरसाइज 0-2 उसी को भी पढ़ना है। ये हमारा 11th लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। बच्चों महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप सब कोई अपने अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और 100% लॉकडाउन को फॉलो करें, ठीक है बच्चों। मैं इंजीनियर रोशन सर आपके समक्ष फिजिक्स फैकल्टी। ओके बच्चों, तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा लेक्चर है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे क्या कि ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। ठीक, तो ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पहले इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स which shows the electrical effect। देखिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। और इंसुलेटर किसको कहते हैं? जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि तीन टाइप का मटेरियल होता है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर तो अभी हमको जानना नहीं है, सेमीकंडक्टर का तो एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है। तो अभी हम इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके पास फ्री चार्ज हो, जिसका चार्ज मूव करने के लिए आजाद हो। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है? जिसका चार्ज फ्री नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे बच्चे जो गार्जियन के अंदर में है, वो कहीं पे घूमने के लिए बार बार गार्जियन का परमिशन लेंगे, गार्जियन जाए, पापा जाए, मम्मी जाए, ठीक है। तो ये गार्जियन के अंदर में है तो इसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। और ऐसे बच्चे जिनको कोई गार्जियन से लेना देना नहीं है, जो जैसे भी मन करे चले जाए, तो उनको हम कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंसुलेटर्स क्या होता है? जिसके पास फ्री चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जिसमें चार्ज होता है लेकिन वो चार्ज फ्री नहीं है मूव करने के लिए, उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक जो है बच्चों इंसुलेटर है, समझ में आ गया। अब ये एक अलग तरह का इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है? जनरली आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं शो करता है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस सब को डाइलेक्ट्रिक शो करता है। लेकिन जनरली इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो हम लोग यहां से एक पॉइंट बना सकते हैं कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, जितना भी डाई इलेक्ट्रिक होता है, ऑल डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स, बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाई इलेक्ट्रिक। इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा कि जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं वो सारे डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जितना भी इंसुलेटर होता है वो डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में नहीं आएगा, समझ में आ गया। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है, लेकिन ये एक अलग तरह का इंसुलेटर होता है जिसके पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, समझ में आ गया। हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है और एक नॉन पोलर होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को हम लोग दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? कि दोज मॉलिक्यूल हुज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, मतलब जिसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करे, इट मीन्स टू से दैट एक दूसरे के साथ नहीं हो। डू नॉट कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे के साथ आ जाए तो इसको हम लोग देते हैं कोइंसाइड। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होता है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, यानी कुछ डिस्टेंस होता है।
और नॉन पोलर क्या होता है बाबू, जो दोज मॉलिक्यूल हुज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा देखते हैं, एग्जांपल H2O, उसके बाद आप बोल सकते हैं NaCl, HCl, etc। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे O2, CO2, H2, etc। देखिए इसको H2, केमिस्ट्री में आप लोग H2O का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, O यहां होता है H, ठीक है। यहां O के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसलिए ज्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। इस H के पास कौन सा चार्ज है प्लस, इस H के पास कौन सा चार्ज है प्लस, तो इस दोनों H का ये प्लस, तो इस दोनों का सेंटर कहां होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहां होगा इस दोनों का सेंटर, ठीक है। और ये क्या है माइनस, इस दोनों का प्लस, प्लस का सेंटर कहां है प्लस यहां, तो इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है या नहीं है, और हम जानते हैं कि डाइपोल जो है डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, तो यहां पे एक डाइपोल बना। डाइपोल किसको बोलते हैं, जिसके पास माइनस और प्लस चार्ज हो और कुछ दूरी हो, डिस्टेंस हो, तो डाइपोल बनता है। तो ये डाइपोल बन गया या नहीं बन गया, बना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं CO2 का, CO2 आप केमिस्ट्री के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो कार्बन का कौन सा चार्ज होता है प्लस, कार्बन का प्लस, ऑक्सीजन का माइनस, तो देखिए इस दोनों प्लस का सेंटर कहां होगा, तो आंसर है यहां पे सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। तो ये दोनों प्लस माइनस क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो ये क्या किया, कोइंसाइड कर गया, प्लस और माइनस एक साथ आ गया, दिखाई दे रहा ना। तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट होगा, तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट उसके पास होता है जिसके पास प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो और उसके बीच में कुछ सेपरेशन हो, बट यहां सेपरेशन नहीं है, दोनों एक साथ है, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पे इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और इसमें किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, माइनस से प्लस होता है ना, तो इधर से इधर इस केस में, इधर से इधर इस केस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो, समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसके पास डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, तो लिख सकते हैं दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। और इस केस में क्या हुआ बाबू, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, तो ये तीन डिफरेंस तो देख लिए, अब अगला डिफरेंस देखते हैं। अब जो है पोलर मॉलिक्यूल का अगला डिफरेंस है कि ये सारा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कौन सा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल शेप का, और ये सिमेट्रिकल शेप का, ये सिमेट्रिकल शेप और एसिमेट्रिकल शेप क्या होता है उसके बारे में समझिए। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी ऑक्सीजन इतना बड़ा है और हाइड्रोजन इतना बड़ा है, तो ये क्या हो गया एसिमेट्रिकल। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का साइज जो है ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, एक इतना है तो एक इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या, ऑक्सीजन इतना बड़ा, हाइड्रोजन इतना बड़ा है, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल और इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल किस में होता है, एसिमेट्रिकल शेप में,
एसिमेट्रिकल से, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसमें होता है? सिमेट्रिकल से। सिमेट्रिकल से, ठीक है बच्चों। अब अगले डिफरेंस पे चलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इधर से उधर होगा, यानी मॉलिक्यूल का सजावट अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक और डिफरेंस मिल गया हमको, पोलर मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट, इस वर्ड को समझिएगा, इंडिपेंडेंट मतलब अनिर्भर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों बहुत गर्मी है इधर, समझे? हाँ, अब पॉज मार के आप इसको लिख लीजिए। आशा करते हैं, होप करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या समझे कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इंसुलेटर जिसमें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में बांट के पढ़े, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिर डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन क्या है, कहां इसका यूज होता है? तो डाइलेक्ट्रिक को जो यूज करते हैं हम कैपेसिटर के पोर्शन में, कैपेसिटर इसके बाद एक टॉपिक है। कैपेसिटर वो होता है जो इनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे आप अपने पंखा के पंखा में कंडेंसर बोलते हो ना, वही कैपेसिटर है, ठीक है। उस कैपेसिटर में स्टोर होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड इन कैपेसिटर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, यानी इसको कैपेसिटर में यूज करते हैं जिससे कि उसका क्षमता यानी चार्ज रखने का क्षमता और हो जाए। जैसे डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाने से पहले, अगर मान लेते ये कैपेसिटर है, ये एक सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है जो 1000 लीटर पानी को रखा, अगर हम इसमें कुछ और आइडिया लगा दे और ये 2000 लीटर पानी को यही सिंटैक्स रखे तो वो मेरे लिए अच्छा है ना। तो यही है कैपेसिटर, यही है डाइलेक्ट्रिक। पहले बिना डाइलेक्ट्रिक का इसमें कितना 1000 चार्ज था, अब कैप डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो इसमें चार्ज का क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया, 1000 से 2000 चार्ज लग सकते हैं। तो इसका डिस्कशन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग कैसे कैपेसिटर में यूज करते हैं जो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इस चीज को हम लोग अपने अगले टॉपिक में, यानी अगले लेक्चर में जहां से कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट होगा वहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको लिख लीजिए, अब हम लोग आते हैं हम लोग के एनसीईआरटी के सिलेबस में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। अब एक बात एकदम अच्छे से समझ जाइए कि हम आपको पूरा एनसीईआरटी के थ्रू आउट ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम कंसस होके इस चीज को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिए जिससे कि आपको चीज समझ में आए।
और जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आप बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को उठा के ला रहा है और उसको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको बात समझ में आए। अब हम लोग चर्चा करते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक में ही हम लोग एनसीईआरटी किताब को पढ़ोगे तो एक वर्ड मिलेगा, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। जब एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मिलेगा। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसी के बारे में देख रहे हैं, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं देखे हैं, यानी वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, लीनियर मतलब डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो पढ़ना है हमको एनसीईआरटी में, उस एनसीईआरटी में जो पढ़ना है तो हमको स्पेशली इस डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। अब ये लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक तो आप समझ रहे हैं इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो एनसीईआरटी में जो हमको पढ़ना है कौन से डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है? लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मटेरियल है, प्लस माइनस ये डाइलेक्ट्रिक है, प्लस माइनस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिए, यानी ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये प्लस है और ऊपर वाला माइनस, यानी प्लस माइनस। इसको अगर हम ऐसे रखें, इसको बोल दिए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इसको यहां पे रखें। अगर ये डाइलेक्ट्रिक अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को बना ले, अलाइन कर ले, झुका ले, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को झुका ले, तो उस डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कोई ऐसा भी डाइलेक्ट्रिक है जो ये इधर होगा? हाँ हो सकता है, काई नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं कि ए बाबू इधर आओ तो वो सुन लेता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोलो ए बाबू इधर आओ तो नहीं सुनते हैं। बच्चे तो दो तरह के होते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, ठीक है। और एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं मुड़ता है। तो हमको किस पे बात करना है? जो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाए उसको हम लोग लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोज डाइलेक्ट्रिक which align मतलब मुड़ना या झुकना, themselves in the direction of external electric field is called linear आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। हाँ जो अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मैकेनिज्म का मतलब क्या, यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर में क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए गौर से समझिएगा, अगर मान लेते हैं ये मेटल है, क्या है ये मेटल, मेटल के पास चार्ज होता है कि नहीं? होता है। इंसुलेटर के पास चार्ज होता है या नहीं? होता है, ठीक है। तो ये मेटल है, अगर मान लेते हैं कि यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड डालें मतलब यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को अगर हम रखते हैं तो क्या करेगा? इस मेटल पे क्या चार्ज है या नहीं? प्लस भी है, माइनस भी है, 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 प्लस भी है, माइनस भी है। इस मेटल के वॉल्यूम में चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपने आप को सजा लेगा। अभी ऐसे समझिए, अभी इस मेटल के अंदर में चार्ज है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो ये मेटल क्या करेगा? अपने आप को सजा लेगा, यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा और माइनस को इधर लेके चला जाएगा और माइनस सब इधर आ जाएगा। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं पांच है, तो ये अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया या नहीं बनाया, कौन, मीटर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड। जो मीटर खुद से बनाता है उसको हम लोग क्या बोल दिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मेटल के केस में ये भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, यानी जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो फॉर मेटल, तो मेटल के लिए बोल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई ओरिजिनल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में, डाइलेक्ट्रिक को आप ये ले लीजिए कि अगर मान लेते डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसमें भी चार्ज होगा या नहीं होगा, तो आंसर है चार्ज तो सब में होगा भैया, बिना चार्ज का कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं, तो चार्ज तो इसमें भी होगा, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पे भी अगर ओरिजिनल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल देते हैं यानी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, प्लस वाला सब इधर आएगा, माइनस वाला सब इधर आएगा, तो ओरिजिनल इंड्यूस्ड इसमें भी बना, इंड्यूस्ड इसमें भी बना, लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर नहीं होगा जो ये इस ओरिजिनल को कैंसिल कर दे। मतलब ओरिजिनल 5 है तो इंड्यूस्ड 5 से कम होगा, समझ में आ गया। तो बोल सकते हैं यहां पे कि ई ओरिजिनल इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, यही होता है मेटल और डाइलेक्ट्रिक में अंतर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कि इंसुलेटर के केस में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता है, और मेटल के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, और किसी भी मटेरियल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, समझ में आ गया। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, यह समझ में आ गया होगा, अगर मान लेते हैं कि यहां पे एक्सटर्नल फील्ड दे दिए यानी ओरिजिनल, ठीक है, और यहां पे ओरिजिनल है तो इस प्लेट पे हम जानते हैं प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है ना, तो इस प्लेट पे क्या होगा, वो माइनस होगा, समझ में आ गया। केस वन, केस टू समझिए, केस टू क्या, अब अगर मान लेते हैं इस दोनों प्लेट के अंदर में अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दे, कौन सा मटेरियल रख दे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दे, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा होगा, और ये प्लस माइनस के कारण ये क्या होगा, ई एक्सटर्नल, ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, कुछ देर के बाद हम जानते हैं कि कौन सा, मेरा जो पढ़ाई है वो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक के बारे में है, तो क्या होगा ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डाइलेक्ट्रिक रखे हैं ये अभी ऐसे है, कोई डायलेक्ट्रिक ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कोई डायलेक्ट्रिक ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, जब ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सारा का सारा डायलेक्ट्रिक क्या होगा, अपने आप को झुका लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, समझ में आ गया। यही ना होता है लीनियर आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक, और इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल है असंख्य संख्या में। तो यहां पर आप बोल सकते हैं तीसरा पार्ट यह है कि यह प्लस प्लस तो होगा ही और ये माइनस,
और ये जो है ये सारा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में झुका लेगा, तो ये प्लस वाला इधर रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, 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 ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब फोर्थ स्टेप समझते हैं हम लोग। तो ये वाला जो है अंदर में, अंदर वाला प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस कितना नजदीक है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने के बाद ये स्टर्नम, कैंसिल करने के बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये प्लस तो है ही जो प्लेट पे था, ये माइनस तो है ही जो प्लेट पे था। अब ये जो माइनस बचा और ये जो इधर प्लस बचा, इसको यहां पे ऐसे लिख दे डाइइलेक्ट्रिक, ये किसके कारण है, डाइइलेक्ट्रिक के कारण, और ये प्लस माइनस को इसके कारण है, एक्सटर्नल के कारण, ठीक है। तो ये माइनस बचा और इधर क्या बचा, प्लस बचा, ठीक है। तो ये प्लस इस प्लेट पे, मतलब बाहर वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो इसमें लिख सकते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये माइनस जो है इस पे जो, मतलब डाइइलेक्ट्रिक पे जो ये है चार्ज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पी, पोलराइजेशन। तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, समझ में आ गया। तो नेट इस प्लेट पे अब कितना बचेगा, अगर मान लेते हैं इस पे प्लस थ्री है और इस पे माइनस थ्री है, तो नेट चार्ज कितना बचेगा, प्लस टू। तो नेट चार्ज कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं नेट चार्ज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। पी क्या है, पोलराइजेशन, जो आप यहां पे देख रहे हो इस चैप्टर का, था इस टॉपिक का नाम है डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण। तो ये चार्ज का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, यानी प्लस एक साइड आ गया, माइनस एक साइड आ गया, तो ये ध्रुवीकरण अलग अलग हो गया है, तो यही है पोलराइजेशन। तो नेट चार्ज कितना बचा बच्चों, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये दो प्लेट रखे हैं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, क्योंकि प्लस से माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड स्टेप, अब इस दोनों प्लेट के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, असंख्य मॉलिक्यूल है, कोई ऐसे है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर पड़ता है, तो सबका डायरेक्शन क्या होता है, एक जैसा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, देख रहे हैं। अब एक अंदर वाला प्लस माइनस इतना नजदीक है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा क्या, ये वाला रो माइनस, ये वाला प्लस, ये। तो हम बोलेंगे कि बाहर वाले प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, बाहर वाले प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम पढ़े हुए थे लेक्चर, मतलब एक्सरसाइज वन में, कितना है, प्लस सिग्मा। और अंदर वाले पे कितना आया, तो इसको मान लेते हैं सिग्मा पी। तो अभी हम जस्ट समझे हैं कि ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है, बराबर हो जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा, तो ये सिग्मा ज्यादा होगा, ये माइनस सिग्मा पी कम होगा, तो नेट चार्ज कितना बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। और ये जो हम देख रहे हैं, ये माइनस अलग प्लस अलग, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अगर आपसे कोई बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ई एक्सटर्नल अगर 10 लेते हैं इधर, तो इंड्यूस भी तो बन रहा है, अंदर में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में कितना, 10 से कम बनेगा 8, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2। अब इस पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो 2, समझ में आ गया बच्चों। तो यही है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है, इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट का फिगर आप देखिए, इसमें क्या प्लस प्लेट पे, माइनस प्लेट पे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक हम डाले तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे क्या आ गया, माइनस प्लस, नेट चार्ज कितना इस पे मान लेते हैं सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पी, तो इसमें प्लस सिग्मा पी, ये माइनस सिग्मा पी, तो नेट चार्ज कितना बचेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इधर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अभी जो वर्ड एक पढ़े हैं पोलराइजेशन, यानी कि यहां पे चार्ज का ध्रुवीकरण हो गया है, एक चार्ज इधर चला गया प्लस वाला, एक चार्ज इधर आ गया माइनस वाला, चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, तो ये पोलराइजेशन होता क्या है, तो पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। हम जानते हैं कि इस मेटेरियल के कारण एक डाइपोल मोमेंट आया, तो जितना यूनिट वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब में बात करें, दो मीटर क्यूब में बात करें, तीन मीटर क्यूब में बात करें, तो ये जो देगा डाइपोल मोमेंट तीन मीटर क्यूब में कितना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन को इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी। अगला वर्ड पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन ये ई एक्सटर्नल पे डिपेंड कर रहा है, यानी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा तो अंदर में चार्ज का ध्रुवीकरण उतना ज्यादा होगा, तो ई एक्सटर्नल जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट रखेंगे साई, इसको बोलते हैं साई या सस्पेक्टिबिलिटी, इस सिंबल का नाम होता है साई और इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हिली एरिया में जाए, पहाड़ी एरिया में जाए, तो हम यहां से जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि जल्दी से हमको सर्दी खांसी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे भी आदमी होंगे जो यहां से हिली एरिया में जाए उनको जल्दी सर्दी खांसी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बंदा कोल्ड के प्रति यानी ठंड के प्रति इतना सस्पेक्ट है कि इसको इतना जल्दी सर्दी खांसी हो गया, तो वही सस्पेक्टिबिलिटी है। इसके बारे में और ज्यादा चर्चा हम लोग अगले टॉपिक कैपेसिटर में कैपेसिटर के बीच में भी करेंगे और यही चीज मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू साई ई, साई क्या है यहां पे कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है सस्पेक्टिबिलिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरे एनसीईआरटी को कवर अप किए हैं, आप एनसीईआरटी के टू द पॉइंट को पढ़िएगा और एनसीईआरटी के चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।